What's up guys, this is Motodoc Videos and आज हम आपके लिए लेके आए हैं Platina 110 H Gear, जिसमें के 5 गियर मिलने वाले हैं आपको। ये गाड़ी लेजेंडरी है, 102 का KMPL का माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है। आई डोंट नो एज अ कम्यूटर कंज्यूमर आप लोग कितना निकाल पाते हैं इसमें से। तो आज इसके ऊपर हम एक छोटा सा रिव्यू करने वाले हैं, वॉक अराउंड चला के नहीं बता पाएंगे गाड़ी को क्योंकि अभी शोरूम थोड़ा नया है। दिस इज द बजाज शोरूम ऑन द कोईफजा मेन रोड। जिसको भी गाड़ी चाहिए बजाज की यहाँ पे आके ले सकता है। जो गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल है वो आपको दिलवाएंगे, जो नहीं है वो आपको मंगा के देंगे। लेट्स गो स्टार्ट विद द रिव्यू। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइलिंग, फिर टैंक, इंजन एंड द बैक प्रोफाइलिंग। बहुत ही मजे की गाड़ी होने वाली है। फाइव गियर है, फाइव गियर का क्या फर्क है सब कुछ बताने वाले हैं आपको। लेट्स गो गो। तो ये है इसकी फ्रंट प्रोफाइलिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल टाइम ऑन DRLs LED के मिल रहे हैं। हेडलाइट आज भी बल्ब वाली है, इंडिकेटर आज भी बल्ब वाले हैं। टेलीस्कोपिक फ्रंट मिल रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा प्लश हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा ऑन अ कंफर्ट साइड हैं ये। इसके बाद आपको यहाँ पे हैंडल गार्ड्स भी मिल रहे हैं जो कि प्लास्टिक फाइबर के हैं। एज सच कोई बहुत ज्यादा इनका यूज नहीं रहेगा आई एम श्योर, बट कुछ तो करना था कंपनी को। इसके बाद हम टेलीस्कोपिक फोर्स के बाद अगर आपको दिखाएं तो हम आपको टायर के बारे में बता देते हैं। फ्रंट में देखें तो अलॉय व्हील्स के साथ आपको एक और चीज जो मिल रही है वो है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, जिसको बजाज ने एंटी स्किड ब्रेकिंग बोला है। पीछे का ब्रेक दबाएंगे तो आगे का ब्रेक भी दबेगा। दिस इज द एंटी स्किड मैकेनिज्म जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। तो टायर के बारे में अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं आपको एज अ स्टैंडर्ड। एंटी स्किड कोई इनकी टेक्नोलॉजी है ब्रेकिंग की जिसके बारे में बात कर रहे हैं। सस्पेंशन आगे और पीछे दोनों जगह आपको कंफर्ट एक मिल रहे हैं। जो टायर है वो 17 इंच है, 180 आगे का है एंड पीछे के बारे में जब पीछे जाएंगे तब बता देंगे आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम इसकी लाइट भी ऑन करके दिखाएं तो DRL बंद हो जाती है एंड ये इस तरह से स्टार्ट हो जाती है। DRL डिम हो रही है, आई एम श्योर बंद नहीं हो रही, डिम हो रही है DRL, बंद नहीं हो रही, ये लाइट ऑन हो गई है। गाड़ी को अब इस साइड से भी हम आपको दिखा देते हैं। साइड प्रोफाइलिंग गाड़ी की कुछ इस तरह की है, अगर आप लोग देख सकते हैं। दिस इज द प्लेटिना एच गियर। कंपनी क्लेम माइलेज इज अराउंड 102 किलोमीटर पर लीटर, दैट इज वे टू मच। PS6 मॉडल है तो कैटलिटिक कन्वर्टर जैसे कि आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड है। चेन कवर की बात करेंगे तो अब मैक्सिमम सब गाड़ियों में फाइबर ही आने लगा है। पीछे का फुटरेस्ट इज समथिंग डिफरेंट इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्पेसिफिकेशंस एंड ऑल इंजन के बारे में, गियर्स आपको पता ही है ऑल फाइव डाउन है। एच गियर बोला गया है फिफ्थ गियर को, ये फिफ्थ गियर नहीं बोल रहे हैं। पीछे कितना एडजस्टेबल नाइट्रोक सस्पेंशन है वो आपको डॉक्टर साहब बता ही चुके होंगे। फुटरेस्ट इज समथिंग डिफरेंट जो कि इस गाड़ी में दिख रहा है। साड़ी गार्ड है यहाँ पे, साड़ी गार्ड में भी फुटरेस्ट अटैच्ड है और वो भी थोड़ा फाइबर वाला है। साइड स्टैंड अगर देखें तो इसमें कोई इंडिकेटर नहीं है साइड स्टैंड के लिए, जो कि आजकल हीरो एंड ऑल में कॉमन कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक स्टार्ट है ये गाड़ी, यहाँ पे अगर आप देखें तो हेडलाइट्स के लिए ऑन ऑफ का स्विच भी दिया गया है जो कि बीच में BS4 मॉडल से आना बंद हो गया था। इंडिकेटर्स हाई बीम, लो बीम एंड हॉर्न, हॉर्न हम आपको सुना देते हैं। अभी बैटरी उतनी अच्छी नहीं है शायद इसलिए हॉर्न नहीं बज रहा, हम स्टार्ट करके आपको हॉर्न अलग से सुना देंगे। पीछे भी देखा जाए तो बल्ब वाला ही टेल लैम्प है, इंडिकेटर्स भी अभी भी बल्ब ही हैं। ये एक काफी अच्छी चीज है। नाइट्रॉक सस्पेंशन दिए गए हैं, कंफर्ट एक ब्रांड से चल रहा है बजाज का। पीछे भी अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। व्हील के डायमेंशन के बारे में अगर बात करें तो 1800 पीछे का टायर भी है और 1800 आगे का टायर भी है। काफी स्लिम लग रहा है अगर पीछे के टायर के हिसाब से देखा जाए इसको। एंड इसके बाद इंजन के बारे में बात कर लेते हैं तो 110 cc का सेल्फ स्टार्ट इंजन है जो कि बहुत ज्यादा माइलेज दे रहा है। टैंक 11 लीटर्स का है एंड अगर इसके हिसाब से देखा जाए कि जितना ये माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है तो मोर देन 1000 किलोमीटर की आपको रेंज मिल जाएगी, दैट इज समथिंग। अगर हम सीट के बारे में बात कर लें तो ये सीट भी एक कंफर्टेबल सीट है। किस तरह से है, थोड़ा सा ऑन द स्टिफर साइड है एज कम्पेयर टू बाकी बाइक्स दैट आई हैव सीन ऑन बजाज, लेकिन आई एम श्योर कि ये लॉन्ग राइड्स में काफी हेल्पफुल रहेगी। सस्पेंशन आप जिस तरह से चाहें, ऑन द प्लश साइड और ऑन द स्टिफर साइड आप इसको कर सकते हैं रियर सस्पेंशन को। फ्रंट सस्पेंशन थोड़ा सा एज कम्पेयर टू बाकी बजाज की जो कम्यूटर बाइक्स हैं ऑन अ स्टिफर साइड है, बट क्योंकि ये एक काफी कम्यूटर बाइक है एंड इवन पीपल टेक दिस फॉर लॉन्ग राइड्स, तो उस हिसाब से आई एम श्योर सोच समझ के ही ये सब कुछ रखा गया है। यहाँ पे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं तो बेसिक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, फ्यूल गेज मीटर है, यहाँ पे एनालॉग
स्पीडोमीटर है, एनालॉग ऑडोमीटर, फ्यूल गेज है, इंजन हजार्ड लाइट दी गई है, न्यूट्रल दिया गया है, इंडिकेटर आप देख सकते हैं इस तरह से हैं। गाड़ी को स्टार्ट करके और देख लेते हैं। यहाँ गाड़ी स्टार्ट हो गई, किस तरह से साउंड कर रही है वो और हम आपको दिखा देते हैं। वाइब्रेशंस जीरो हैं इसमें, ना हैंडल बार पे आ रहे हैं ना कि फुट पैक्स पे आ रहे हैं, इवन दो हम इसको अच्छा खासा रेव कर रहे हैं। अब हम आपको इसकी साउंड सुना देते हैं। तो दिस इज इट गाइस, वॉक अराउंड था ये एक छोटा सा बजाज प्लैटिना एच गियर 110 कंफर्ट एक का। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मोटरडॉक वीडियोस साइनिंग आउट।